Welcome to Kalinga Tutorial, Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom. Now today we discuss about the determinants. So in the last video, we have seen the determinant example. So first exercise problem is done. Today we have a theory. Theory is the minor of determinants. Minor of determinant. माइनर ऑफ डिटरमिनेंट आम पढ़ा माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स है इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स तो माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स तो मीन्स द ट्रेसिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स द ट्रेसिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड सो तने कौन कहला छ न माइनर ऑफ डिटरमिनेंट मीन्स द ट्रेसिंग वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स That is called so. The symbol kete asiyo cha? Na yar symbol asijibo M I J. I means cha uchikon na I row J colon. To ame jo matrix le khuje cha A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. जो मैट्रिक्स फॉर्म में यूज कर छे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये जो फॉर्मेट टाइम पाखे रहला को ना मैट्रिक्स रो फॉर्मेट तो MIJ मीन्स सिंबल ऑफ माइनर तो आम जी इच्छा माइनर बाहर करवा कम बाहर करवा ना M11 M1 मीन्स आम ट्रेसींग कले कौन या ट्रेस कला रहा कि A22 A23 ये रहा A32 A33 ओके आम कौन कर A22 A33 माइनस A23 A32 तो यार वैल्यू हमें बाहर करवा तो सिमिति हम छ बाहर करवा M12 मींस से क्या से होचा M12 मींस एटा से होचा M12 त याकु हम ट्रेसिंग करवा छ देखो एटा को हम ट्रेसिंग यदि नबा माइनर यार बाहर करवा त कोन को ये ट्रेस हला तो ट्रेस हला ओइले कि एग्जैक्ट छ रहला देखो A21, A23, A31, A33 यदि हमें आपको मल्टीप्लाई करिया अच्छा कितने ला A21, A33 माइनस A23, A31 तो एक्जेक्टली सेम थिंग में बाहर करियो को ना सिमिलरली A13, M13, M13, M21, M22, M23, 31, 32, 33 या कोई कौन कौन सा माइनर तो क्या हमने एग्जांपल देखियो छ एग्जांपल कोनो उड एग्जांपल नो बचा ट्रेसिंग वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इन जो चैप्टर छ माय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को इक्वल माने इक्विवेलेंट है को हो छ तो हमें रिलेटेड रहो छ तो देखियो फाइंड एग्जांपल फाइंड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 4 माइनस 1 2 3 1 0 2 2 3 4 माइनस 1 2 3 1 0 2 तो हमें आगे ऐसे अच्छा M11 तो M11 मीन्स हमें एटा को ले कटले एटा कटले तारे लगे 4 माइनस 0 दैट इज 4
since M12 means the M12 means it cancel करियो चाहे it cancel करियो -2 -2 -3 -5 यदि M12 M13 बाहर करियो चाहे M13 बाहर करले it cancel करियो ताई it cancel कर रही लगी चाहे 0 0 -2 that is -2 तो similarly in this process M21, M22, M23, M31, M32, M33 That is called a minor. That is minor of determinants. Then asiva cofactor of determinants. अच्छा कौन लिखले ना कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स इट इज जस्ट लाइक ना गुटे स्टेप अधिक आसीबो कौन द साइन ऑफ द ट्रेसिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज called so tane ame ja asle ko na cofactor means the tracing where sign of tracing value of determinant that is called cofactors to yaar symbol cha kya hai na cij yaar symbol kya asyo cij to I means row j means column symbol c to ye jo cofactor symbol cha ame kon kole ना सूत्र होता Cij equal to -1 to the power i + j into Mij इट इज अ सिंबल के ना Cij सिंबल Cij equal to -1 to the power i + j into Mij ओके तो सो एग्जांपल से नवा देखो एग्जांपल फाइंड द cofactor of matrix 2 3 4 -1 2 3 1 1 0 1 1 0 तो 1 1 0 में आसले थियो छ 2 3 -1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 -1 2 3 1 1 0 तो आम चाहिए फर्मूला रहा सी ओन ओन जमी आम जहाँ नौले एम ओन एम ओन एम ओन टू सेम कोफैक्टर पर नवा सा सिंबल कौन सी ओन ओन सी ओन मीनस यहाँ चाह सी ओन ओन सी ओन टू सी ओन थ्री सी टू ओन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री ओन सी थ्री टू सी थ्री थ्री तो सी ओन ओन मीनस -1 to the power 1 + 1 दैट इज एम आई एम आई मीन यार एम आई कैसे आसवे यहाँ कैनसल है यहाँ कैनसल है कार कैनसल है यहाँ कैनसल है यहाँ कैनसल है तेने ये रहा कि 2 3 1 0 तेने जीतु -1 to the power इवन है दैट इज वन -1 to the power ओड है दैट इज -1 प्लस वन -1 दैट इज कितना वन दैट इज इवन वन 1 × 0 - 3 that is -3 that is -3 तो C12 -1 to the power 1 + 2 तो 1 + 2 means इडा तो यार ले इडा के तसीदा कैंसल है ना चा इसीदा कैंसल है रोइला क्या हो जाए तो ये रोइला तो बताने रोइला कि -1 3 1 0 भल कि जोटा बाहर कर स्केल पकड़ कि कौन एटा कटिगला रहा -1 3 1 0 तो आसला किए जेहेतु -1 to the power 3 दैट इज ओन नंबर -1 × 0 - 3 0 - 3 दैट इज +3 तो C13 -1 to the power 1 + 3 1 + 3
तो जब आम चल एटा कैनसल सीधा कैनसल है ये सीधा कैनसल है रहा किए माइनास वन वन टू वन तेल छा किए माइनास इस किए ना माइनास वन टू दि पावर फोर दैट इज इवेन एंड वन इन टू ये माइनास वन माइनास टू दैट इज माइनास थ्री तो सिमिलर इन दिस प्रोसेस यू कैन फाइंड सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री थ्री टू सी थ्री थ्री तो दैट इज द फिगर ऑफ कहाँ छ को फैक्टर्स ओके तो या कि पिला भी करते कौन कौन ना ये जो फर्मुला न पकईकी माइनर बाहर कर सारापर कौन करती ना सपोज गोटे मैट्रिक्स माइनर बाहर कले माइनर बाहर कलापर खाली साइन एड कलापर यदि प्रथमटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये साइन जी एड करद माइनर रे दैट इज कोफैक्टर्स जो माइनर आम बाहर करे कह मैट्रिक्स रो माइनर बाहर कले माइनर बाहर कलापर आम साइन एड करद यदि साइन एड कले किए प्रथमटा प्लस तापर माइनस तापर छ प्लस माइनस प्लस माइनस से पड़े कौटी की कोफैक्टर को मुझे जो कली फर्मुला अनुसार कली एट सर्टकट तुम्हें करपर यदि फर्मुला साइन नहीं कि तो ये कौन सा ना कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स तो देन आम आस देन आसवा एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो एडजेंट एडजेंट हमें क्या कहते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेंट ना द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एडजेंट तेल आम लिखा कौन चाह सिंबल फॉर्मूला यार डेफिनेशन टा कौन पारे ना दि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सो लिख दियो सो समाने कौन हम ना दैट इज कॉल्ड एडजेंट तमाम ये बुझा दरकार दि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स गोटे मैट्रिक्स दब तार कोफैक्टर बाहर करके उल्टी देने तो दैट इज कॉल्ड की मैट्रिक्स ना दैट इज कॉल्ड एडजेंट मैट्रिक्स या सिंबल के ना सिंबल है ए डी जे ए सिंबल आम लिखुचे है आम खाली ओडिया मिनिंगटा कौन आगे बुझे नवाच कौन सी मैट्रिक्स र आमे कोफैक्टर बाहर करवा एवं कोफैक्टर बाहर कर सारापर ताक ट्रांसपोज कलापर मैं ट्रांसपोज मीनस मैट्रिक्स पड़ी रो कलम इंटरचेज हे सबू रो कलम को आसवे एवं सब कलम रो को आसला जोटा आसला दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो आम छुआ बर्तमान कौन करवा देख गोटे एग्जाम्पल ना तुम क्लीयर बुझीज है तो फाइंड द फाइंड द एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टू थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन फोर टू वन फोर टू तो यही मैट्रिक्स रे आम कौन बाहर करवा तार एडजेंट बाहर करवा तो एडजेंट बाहर करने कौन करवा प्रथम आम एनसर नवा सी वन वन मीन्स कोफैक्टर्स तेने माइनस वन टू दि पावर वन प्लस वन तो यहाँ आम बाहर को लेट काटिले छ फोर टू जीरो फोर टू जमी लिखुची खातर तुम सेमती लिख छे वन इन टू फोर माइनस जीरो दैट इज किए फोर तापर सी वन टू तो सी वन टू माइनस वन टू दि पावर वन प्लस टू ते या कैनसल है यहाँ कैनसल है माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो यहाँ छा वन देखी प्राय वन ये किए टू तेरे माइनस वन ये माइनस टू जीरो दैट इज प्लस टू तो सी वन थ्री माइनस वन टू दि पावर वन प्लस थ्री
तो आम वन प्लस थ्री हेले ये बर्तमान सब ये लगे ना माइनस वन वन टू फोर टू फोर तो ये वन इंटू माइनस फोर टू दैट इज के माइनस सिक्स तो सिमिलरली वन 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 टू वन थ्री इन अकॉर्डिंग टू बा इन सिमिलरली फॉर्म आम बाहर करवा कौन सेमती बाहर करवा आम बाहर कले कौन ना सी वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री तो आम कौन कले मुझे बाहर करवा ना मुझे सर्टकट मारे कौन तुम परीक्षा सर्टकट मारे तुम इन प्रोसेस रे करेबो बाकी मु सपोर्ट कौन कली मु टाइम टेकिंग करेंगे तुम निजे प्रैक्टिस करेब जो सी वन वन बाहर कल टू वन बाहर कर टू वन एटा काटला एटा काटला ए सीधा काटला तो है कि थ्री फोर टू सी मतलब मुझे नेमिंग करदेनि ए बी सी पी क्यू आर तुम परीक्षा खाता लिख जो खातार लिख पी क्यू आर तुम बाहर कर जस्ट प्रोसेसटा तुमको बताऊँ कौटा ना एमती कर लेफ्ट धरेली ए बी सी पी क्यू आर धरेली तो आम जो सरला पाइले कौन ना को फैक्टर मैट्रिक्स के ना को फैक्टर मैट्रिक्स आसो ये आइला फोर टू माइनस सिक्स ये आइला ए बी सी पी क्यू आर आसला बाकी एडजेंट कौन ना एडजेंट इक्वल एडजेंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स तर उल्टी बच कौन उल्टी बच ना ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ट्रांसपोज कौन बच फोर टू माइनस सिक्स ए बी सी पी क्यू आर ओके तो यहाँ कह जाए की मैट्रिक्स एडजेंट मैट्रिक्स यहाँ को आम की मैट्रिक्स कहते हैं कौन कहीपर ना एडजेंट मैट्रिक्स कह आउ थे रिमाइंड कर देखो एडजेंट मैट्रिक्स मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स तेल आमको एडजेंट बाहर करने को फैक्टर बाहर करवा तो को फैक्टर बाहर करने आमको माइनर जाते हैं माइनर बाहर कले तो को फैक्टर बाहर फर्मुला के सी आई जे इक्वाल टू माइनस वन टू दिपार आई प्लस जे इंटू एम आई जे तो बाहर तापर आम कौन कले प्रोसेस अनुसार करके चलने ओके किंतु ये जिन लिखी तुम खातारे से यूज कर ना मु टाइम सर्ट करने कईदेली तुम्हें निजे प्राक्ट कर ए बी सी मुझे पी क्यू आर धरली तापर ये को फैक्टर मैट्रिक्स लिखिली तापर एडजेंट कली एडजेंट मीन्स को फैक्टर ट्रांसपोज आसा ओके ये हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स आसा एडजेंट मैट्रिक्स आम बर्तमान पढ़ा छा को फैक्टर एडजेंट पर आम नेक्स्ट आसवा कौन ना इनवर्स मैट्रिक्स यापर मुझे सर्टकट सब कह टे आगे थ्योरी सार दिए तापर यार कनसेप्ट थ्योरी सब कह एंट्री मैंने एक्वारिया क्वेश्चन केमती आसचु तर नोट सब करेबी जे एडजेंट ए एडजेंट बी ये सब फॉर्म यार शॉर्ट नोट सब बुझे आगे मुझे तुमको तार लॉन्ग प्रोसेसटा शिखे दूसरे कौन छे पाइले कौन ना एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स तेन आस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आम छ इनवर्स आगुरी बाहर करते इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंटरी मेथड आम पढ़ुले बट एटी आम पढ़ा से परीक्षा कह फाइंड द इनवर्स रो एलिमेंटरी मेथड फाइंड द इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड कि आमर ये प्रोसेस हूँ मैट्रिक्स मेथड तो मैट्रिक्स इनवर्स बाहर को मेरे फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए बाय ए डिटरमिनेंट्स ताले ए इनवर्स कहले एडजेंट ए बाय ए डिटरमिनेंट्स ए डिटरमिनेंट्स तो ए जो कंडीशन आसीबो इफ तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो यदि ए डिटरमिनेंट्स फर्स्ट केस टा इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल जीरो ताने ए इनवर्स इज एक्जिस्ट ताने इनवर्स भारी पारिबो सेकंड आइबो छ इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो ए इनवर्स इज नॉट
एक्जिस्ट नॉट एक्जिस्ट एति आ मने ताले आमे बर्तन दे इनवर्स कुछ जीवा देखो यदि आमे इनवर्स को जीवा ताने हमको कोन दे आस्ते हो देखो एडजॉइंट मींस हमको आस्ते हो कोफैक्टर रु एटी कोन कोची ना ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट आमे ताने ए इनवर्स काडिया माने बाहर करिया पय ले कोन करिवा ना एडजॉइंट एडजॉइंट मींस हमको कोफैक्टर आस्ते हो ताने आमे चल देबा जीवा प्रथमे प्रथमे इनवर्स बाहर करते ला चेक करिवो रे एग्जिस्ट ना एग्जिस्ट नु हे तापर आमे प्रोसेस को जीवा ठीक अछ तो हमें जो बर्तन आसवा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2, 3, -1, 4, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 ओके तो प्रथम हमें जो यार इनवर्स बाहर करिया पहले लेट लेट ए इक्वल नेरि 2, 3, -1, 4, 0, 2, 1, 2, 1 ओके हमें ए सिंबल मैट्रिक्स न माने मैट्रिक्स सिंबल नहीं पर एक जो असुविधा नहीं छै तेरे आगे डिटरमिनेंट चेक करिया छ तार डिटरमिनेंट चेक करले तो माने पड़ छ डिटरमिनेंट 2 × 2 × एटा काटियाला एटा काटला 0, -4, -3 एटा काटला 4, -2 तापर -1 एटा कैंसिल एटा कैंसिल 8, -0 ताले ये -8 ये ल छ -6 ये -8 ताने ये कते आस जो छ -8 कते आस जो छ ना 16 16 -6 -22 इज नॉट इक्वल टू 0 ताले इट इज एग्जिस्ट तमने हमें क्लियर हले यारो इनवर्स अछि ताले हमें साइड क्लियर हले एही मैट्रिक्स रो हमर इनवर्स अछि ताले हमें वर्तमान कोन करिया छ इनवर्स जानि हले ताले वर्तमान हमें कोन करिया ना यारो कोफैक्टर बाहर करिया कोफैक्टर माने कि c11 -1 टू द पावर 1+1 तमने यार वैल्यू कते आइबो छ ये काटेला ये कैंसिल हला ये कैंसिल हला तमने 0 2 2 1 तमने 1 × 0 -4 दैट इज -4 तबरे c12 -1 टू द पावर 1+2 ये काटेला छ कि ये काटेला ये कैंसिल हला तमने 4 2 1 1 ताने -1 4 -2 दैट इज -2 तो c13 -1 टू द पावर 1+3 ताने एटा कैंसिल ला ताने 8 लिख दिए छ ठीक है 4012 ताने -1 होबो छ -1 टू द पावर 4 अछि छ ताने 1 × 8 - 0 दैट इज के ला 8 तो सिमिलर इन दिस प्रोसेस तो हमें बाहर करिवा 2 1 2 2 2 3 हला एटा तुम्हें निजे बाहर करियो मु लिखली ए बी सी सेमती हम आउ बाहर करिया कि 3 3 1 c 3 2 c 3 3 एटा पी क्यू आर तो बाहर तो सार वो चाल लागो शीघ्र कर दो जे ए बी सी का नहीं कि लिख दो तो तुम करो तुमको छान दिया था तुम तो करियो ना आउ प्रोसेस तो बुझी जाल बाकी मुने ये लिखे ए बी सी पी क्यू आर ये हम पाइले को ना कोफैक्टर मैट्रिक्स पाइले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पाइ सला परे हमें पढ़ जा कुंटी छ ना के लिख दियो कोफैक्टर ता तने कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू हमें पाइले कते छ -2 सी वन ऑन सॉरी फोर थी लागे फोर एटा -2 ये 8 ए बी सी पी क्यू आर हमें फाइल बर्तमान या कोफैक्टर ताने एडजॉइंट कहले छ एडजॉइंट ए इक्वल टू या मु लिभिली आपको प्रोसेसिंग करिया छ ये चेंज हो छ 4 -2 8 ए बी सी पी क्यू आर ओके
तो ये पाइले आम कौन एडजेंट ताने आम इनवर्स कहले ताने एडजेंट ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट्स ताने फोर ए फोर फोर माइनस टू एट ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर डिवाइड बाय माइनस ट्वेंटी टू जो पाई के माइनस ट्वेंटी टू पाई ताने कौन करवा फोर बै माइनस ट्वेंटी टू माइनस टू बै ट्वेंटी टू तेनाली टू बै वन बै इलेवेन ये डिवाइड करवा ये एट बै हेले माइनस टू डिवाइड करदे टू डिवाइड हेले इलेवेन ये फोर बै माइनस इलेवेन ये ए बै माइनस टू ट्वेंटी टू बी बै माइनस ट्वेंटी टू सी बै माइनस ट्वेंटी टू पी बै माइनस ट्वेंटी टू क्यू बै माइनस ट्वेंटी टू आर बै माइनस ट्वेंटी टू तो दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एटा में कहार में पाइले ना इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके ये थला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देन च आमे एटा कोले 3 बाय 3 ऑर्डर मैट्रिक्स रो कोले आमे 2 बाय 2 ऑर्डर मैट्रिक्स रो इनवर्स बाहर करिया देन आमे सेल सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड हो देखो जो अनासिया को ना उड एग्जांपल नोची फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमें जान ले के 2 माइनस 1 3 4 2 3 4 हमें ए मैट्रिक्स का लगा तो फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें इनवर्स बाहर करिवा ओके तो हमें ए मैट्रिक्स बाहर करिया पाई हेले आगे हमें लेट नहीं जीवा छ लेट ए इक्वल टू 2 माइनस 1 3 4 आगे ए मैट्रिक्स टन ले या डिटरमिनेंट चेक करिया प्रथम आगे चेक करियो डिटरमिनेंट 2 माइनस 1 3 4 ताने 8 प्लस 3 दैट इज 11 11 इज नॉट इक्वल टू 0 तो सो इट इज एग्जिस्ट अच्छा यदि एग्जिस्ट है तेज सी वन वन बाहर करवा कि टे मिस्टेक हो कौन चेज हो देख यदि आम सी वन वन बाहर कले ते माइनस वन टू दि पावर वन प्लस वन ते यार माइनर किए हम ना टू रइनर फोर थ्री रइनर माइनस वन थ्री खाली चेज हम छात्र ते किए माइनस वन टू दि पावर वन प्लस वन तार माइनर किए हेला फोर यार माइनर फोर ताने दैट इज किए हेला फोर सेमती सी वन टू ताने माइनस वन टू दि पावर वन प्लस टू ताने यार माइनस वन ये के आस माइनर किए माइनस वन थ्री दैट इज थ्री सेमती आम बाहर करवा कह सी टू वन तो सी टू वन माइनस वन टू दि पावर टू प्लस वन ताने यार माइनर किए आई ये माइनस वन प्लस वन आज तो सी टू टू माइनस वन टू दि पावर टू प्लस टू टू ये किए दुई तो बर्तमान से ये आसीगला आम लिखिदा के कोफैक्टर मैट्रिक्स ताने कोफैक्टर मैट्रिक्स के ना फोर थ्री वन टू टू यहाँ कोफैक्टर एवं कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बर्तमान आम कौन करिया ना कोफैक्टर मीन्स आसवा एडजेंट मैट्रिक्स एडजेंट मैट्रिक्स है फोर थ्री वन टू वन टू तापर आसवा कि ना ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए बाय ए डिटरमिनेंट्स ताने फोर वन थ्री टू डिवाइड बाय के यार ये आसला के ना यार डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट आसला इलेवेन ताने आम फोर बै इलेवेन वन बै इलेवेन थ्री बै इलेवेन टू बै इलेवेन दैट इज द सॉल्व बै मैट्रिक्स मेथड ऑफ टू ऑर्डर मैट्रिक्स आम टू ऑर्डर मैट्रिक्स रो सॉल्व बै मैट्रिक्स मेथड आम नहीं तो बर्तमान आम छा जा तो बर्तमान आम जा कौटी ना
solve by linear equation in by matrix method. Linear equation by matrix methods. तो आम जहाँ जो प्रोसेस पढ़ी आसे से प्रोसेस रु टे अधिक स्टेप आस स्टेप ना आम कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स बाकी लास्ट स्टेप को ना सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो बर्तमान जो आम सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड करने फॉर्मूला कौन है ना ए एक्स इक्वाल टू बी एक्स इक्वाल टू बी ताले एक्स इक्वाल टू दैट इज ए इनवर्स बी A inverse B ए फॉर्मूला रहिबो। तो हम क्वेश्चन कौन छ इन देखो दे फॉर्मेट कहो छ जे 2x + y + z equal to 1 व्हाट इज नो x - y + 2z equal to 3 2x - 3y + z equal to 1 तने हमें कोन को एटा टी इक्वेशन छ लीनियर इक्वेशन। तो हमें 2xy थिबो 3 वेरिएबल 3 वेरिएबल दे छि अपर 2 वेरिएबल हम करबा ताले xyz से को जे फाइंड द सॉल्व मीन्स छ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy तर एरा को मेथड रो ना मैट्रिक्स मेथड। तो लेट न बाछ लेट a इक्वल टू सिंपल प्रोसेस रे सी ई आवाज कर नै एटा खाली मोरला मन रहिया दरकार 2 1 कोफिशिएंट 1 1 1 माइनस 1 2 2 minus 3 1 b equal to तो b equal to के ला 1 3 1 1 3 1 that is capital x capital x तो capital x means क्या किया ला small x small y small z। देखो जब मुझे एडा लिख ली जे एडा को दिया सांगरे multiply करी भी अब तो ये जो लिनियर इक्वेशन था लिनियर इक्वेशन में ए बाछिले चूज करले ए बी बी मींस एतिको सी एक्स मींस केला स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी तो एक्स तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू केला 1 जो सम हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं दिस प्रोसेस। तो आम या गुणी दबा देखो ए एक्स इक्वाल टू बी देखो ये आस तो आम जो क्वेश्चन थी ए क्वेश्चन दे थो सी कह सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड्स तुम्हें आगे ए चूज कर एनसरटा ये आरंभ होगा एनसर आम आरंभ होगा ए बी एक्स देन ए बी सी बाहर कर सारापर प्रथम स्टेप लिपिदेली इच्छा देख प्रथम कौन करें ना आगे इनवर्स जो बाहर इनवर्स आगे चेक करद एक्चुअली यार इनवर्स अच्छी कि ना तो आम एक्जिस्ट हो कि ना ए रो डिटरमिनेंट चेक करवा तो ए रो डिटरमिनेंट चेक कले 2 1 1 1 - 1 2 2 - 3 - 3 1 तो ये जो आम भूलें 2 - 2 + 6 -1 ये 1 - 4 प्लस 1 इंटू एट कटला छ -3 + 2 तो ये है कत 4 8 ये -3 ये +3 ये है -1 ताने दैट इज 10 10 इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 ताने इट इज एन एक्जिस्ट ताने छ एक्जिस्ट अच्छी माने यार एक्स वाई जेड अच्छी तेना आम बर्तमान जावा कौटी की ना आम मूल रहा किए कोफैक्टर को एक्जिस्ट हो मैंने आम लिभि जीवि कौन ना कोफैक्टर तो कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स देन सेकंड थर्ड प्रोसेस आस ना सी वन वन तो सी वन वन इन माइनस वन टू दि पावर वन प्लस वन ते किए यहाँ कैनसल है यहाँ कैनसल है माइनस वन टू माइनस थ्री वन ये दैट इज 1 इनटू ये माइनस 1 प्लस के दला 6 दैट इज प्लस 5 तब छ सी 1 2 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 ये छ बाहर को ले के एटा कैंसिल है एटा कैंसिल है ला एटा कैंसिल है ला इट छ 1 दे 3 फ्राई एटा 1 थिला 1 हो 1 थिला
তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস সরি ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু আমি সি ওয়ান টু বার সি ওয়ান টু বার কলে ওয়ান টু টু ওয়ান তাহলে দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান টু দি পার থ্রি দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান ইয়ে টু মাইনাস সরি ওয়ান মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ফোর দ্যাট ইজ প্লাস থ্রি তো সি ওয়ান থ্রি তো থ্রি ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান টু দি পার ওয়ান প্লাস থ্রি তো এটা আমি এটা ক্যান্সেল করলে এটা ক্যান্সেল করলে তো ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে দ্যাট ইজ ওয়ান ইন্টু ইয়ে মাইনাস থ্রি প্লাস টু দ্যাট ইজ কি হল মাইনাস ওয়ান তো সেইভাবে ছুঁয়া নেব সি টু ওয়ান সি টু টু থ্রি 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 ওয়ান থ্রি থ্রি সি টু থ্রি টু ইয়ে সি থ্রি থ্রি সবগুড়া আমি বাহার করা এটা পুরো বাহার করছি হল তো এটা বাহার করলে কেতে সি টু ওয়ান বাহার করলে সি টু ওয়ান মানে এই পোর্শনটা বাহিব তো মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু প্লাস ওয়ান ইয়ে ছ এটা ক্যান্সেল হল এ লাইনটা ক্যান্সেল হল এটি কত রয়েছে না এটি রইল দেখো এটি দেখছি দেখো টু ওয়ান ওয়ান টু তাহলে সি টু ওয়ান মিনস এইটা ছ তাহলে এই লাইনটা ক্যান্সেল হল এ লাইনটা ক্যান্সেল হল রইলা কি ওয়ান ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়ান তাহলে ইয়ার পাওয়ার কেতে ছ ওড আসব তাহলে মাইনাস ওয়ান ইয়ে ওয়ান প্লাস থ্রি দ্যাট ইজ কি হল মাইনাস মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর তারপরে ছ আসবে কি সি টু টু তাহলে মাইনাস ওয়ান টু দি পার প্লাস টু টু তাহলে এটি আমি টু টু এলে এইটা কাটি হচ্ছে এই সিধা কাটি এই সিধা কাটলা টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান তো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস টু টু মাইনাস টু দ্যাট ইজ কি হল জিরো তো সেইভাবে চ আমি ব্যবহার করা কিন্তু মতো চ এই কোণ দরকার সর্ট হচ্ছে কোণ করা তাহলে তাহলে মু লিভুছি কিছু কিছু নন লিভলে এটি ধরব না সি সি টু থ্রি তাহলে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু প্লাস থ্রি টু প্লাস থ্রি মানে এইটা এ পোর্শন কাটলা ছ এটা কাটলা এটা কাটলা তাহলে টু ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান এ টু কেতে টু মাইনাস থ্রি তাহলে দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস সিক্স মাইনাস টু দ্যাট ইজ কেতে ছ না প্লাস এইট প্লাস এইট তো বর্তমান ছ মু এটি লিপেলি এই পোর্শনটা থাউ আমার দরকার আছে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা আমার দরকার আছে মু এইপটে লিপেলি তো বর্তমান আমি বার করি আসছ সি থ্রি ওয়ান ছ থ্রি মাইনাস ওয়ান টু দি পার থ্রি প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস ওয়ান এলে তাহলে এইটা ক্যান্সেল হল ছ এইটা ক্যান্সেল হব এইটা ক্যান্সেল হল তাহলে কি হল ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু তাহলে দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ান ইন্টু ইয়ে টু প্লাস ওয়ান দ্যাট ইজ কি হল থ্রি তো থ্রি টু মাইনাস ওয়ান টু দি পার থ্রি প্লাস টু থ্রি প্লাস টু এটা কাটি হল ছ এটা কাটিলা এটা ক্যান্সেল হল এটা ক্যান্সেল হল ওয়ান টু ওয়ান টু তাহলে সরি টু ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু দ্যাট ইজ কি হব ছ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ইয়ে ফোর মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ কি হল থ্রি তো থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান টু দি পার থ্রি প্লাস থ্রি তো এটা ক্যান্সেল হল ছ এটা ক্যান্সেল হল টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো ইয়ে দ্যাট ইজ ওয়ান ইন্টু ইয়ে মাইনাস টু ইয়ে মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ মাইনাস মাইনাস থ্রি ওকে তো বর্তমান আমি ছ এটা লিপি পার কিছু অসুবিধা নাই আমার যে ভ্যালুটি জিরো ছ আছে তাহলে বর্তমান আমি লিখি পারিবা তাহলে কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স কি হব ছ না ফাইভ পাই থিল থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর জিরো এইট থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি এটা কাহার ভ্যালু পাইলে ছ না কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স এবং কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স পাই সারা মুঁ এটা লিভি পারি এটা আর কিছু অসুবিধা নাই তারপরে কোণ কাটিয়া আমি ছ না এডজন্ট
तो एडजस्ट बाहर करिया पाई हेले तो एडजस्ट बाहर करिया पाई हेले छ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ता माने कितै हो 5 3 माइनस 1 माइनस 4 0 8 3 3 माइनस 3 देन ए इनवर्स इक्वल टू एडजस्ट ए बाय ए डिटरमिनेंट्स ताने ये 5 माइनस 4 3 3 0 3 माइनस 1 8 3 डिवाइड बाय यारो डिटरमिनेंट कितना आस्तीला छ हमें ना डिटरमिनेंट आस्तीला डिटरमिनेंट आस्तीला एग्जैक्टली मु भूल गेली नी सुबोध मोर एग्जैक्ट मन पड़ू ना गोटे एग्जैक्ट लेखी नहीं मन कर 11 आसला आम से कौन कले ना 5 बै 11 माइनस 4 बै 11 3 बै 11 बहुत छोट हो लिखार प्रोब्लेम होता हूँ असुविधा हो 3 बै 11 0 बै 11 3 बै 11 माइनस माइनस 1 बै 11 8 बै 11 अच्छा एग्जैक्ट देखी नब टे एक्चुअली 11 कि तुम खातरे करा ही देख ना डिटरमिनेंट के बाहरी 11 कि कत देख जाए तो डिवाइड कर 11 नहीं एक्जाक्टली नुहे कि जान ना के देख नब टे खातरे कला बेल तर ये सरपुर आम ये इनवर्स पाइले तेज के ना एक्स इक्वाल टू बी ते एक्स इक्वाल टू ए इनवर्स बी एक्स मीन ना एक्स वाई जेड एक्स इक्वाल टू बी एक्स इक्वाल टू ए इनवर्स बी ते एक्स मीन स्मल इनवर्स के 5 बाई 11 माइनस 4 बाई 11 3 बाई 11 सो डाउट मोर हूँ 11 उपर देखिए टी डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट डिवाइड कर आ कि मिस्टेक है सब ठीक ठाक अच्छे है तो 3 बाई 11 3 बाई 11 0 बै 11 3 बै 11 माइनस 1 बै 11 8 बै 11 माइनस 3 बै 11 इंटू बी के पाइल छ ना बी एपटे थी किए 1 2 के देख 1 2 1 2 1 2 1 थिला तो बर्तमान याको हमें गुणिले मल्टीप्लाई कले एटा को छ एमती मल्टीप्लाई कले ताने 5 5 बाई 11 इंटू 1 ताने 5 बाई 11 प्लस माइनस 4 बाई 11 इंटू 2 ताने कितना आला ना 8 माइनस 8 बाई 11 प्लस प्लस 3 बाई 11 प्लस ताने ए हिसाब कर दे तो एरो इला छ समझि या को नै या संग रे या को नै की छ या संग रे ला बर्तमान एरा कैलकुलेशन ने कते हो 5 प्लस 3 8 8 माइनस 8 0 0 बाय 0 के 0 बाय 11 कते आसला 0 दैट मींस एक्स रे वैल्यू कते आसला 0 सेम दि हम ए तो डक नो बचा ए तो नो बा 3 इन द 3 बाय कते छ 3 बाय 11 0 संग जा को छ मल्टीप्लाई करिया दैट इज 0 0 तब 3 प्लस कते ला 3 बाय 11 त 3 बाय 11 मींस एट कते जो छ ना 6 बाई 11 ताने बी कते सॉरी वाई कते हला 6 बाई 11 से बोली छ या को मध्य नै कि मल्टीप्लाई करि परबो ओके तो ये थिला सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड मु नेक्स्ट वीडियो देसा आउर यार कांसेप्ट 2 बाई 2 मैट्रिक्स बुझेबी क्रेमर्स रूल बुझेबी आ गुटे पूरा वीडियो हो डिटरमिनेंट सरीबो बाकी छ आपो तुमरो डिटरमिनेंट फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम जो करो डाउट जहाँ पचार यार पीडीएफ तुमको व्हाट्सएप सेंड करेगी ओके okay?